फ्रेंड वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। हाजिर हूँ आपके सामने WWE की एक और मिस्ट्री वाली वीडियो लेके। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे WWE को जो काफी पहले टाइम से देखते आ रहे हैं वो एडी गुरेरो के फैन तो जरूर होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडी गुरेरो की लाइफ एंड की मिस्ट्री के बारे में। तो बात करेंगे कि उनके साथ अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ। इस वीडियो पे लाइक्स का माइलस्टोन तो नहीं रखता, बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि मैंने कहा, जो रेसलिंग काफी टाइम से देख रहे होंगे वो एडी गुरेरो के फैन तो जरूर होंगे और साथ ही उनकी एंट्रेंस पे आने वाली एक से बढ़कर एक शानदार कार्स के भी फैन होंगे। एडी गुरेरो मशहूर थे चीटिंग के मामले में, जिसने भी उनकी फाइट्स देखी होंगी वो अच्छे से इस बारे में जानते होंगे। जैसा कि एडी गुरेरो WWE का एक चमकता सितारा था जिनके साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद WWE हिल गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक सुबह ऐसी आएगी जो एडी गुरेरो के बारे में इतनी बुरी खबर लेके आएगी। उनकी डेथ हार्ट फेलियर होने की वजह से हुई थी। एडी की डेथ को लेकर काफी रूमर्स ये भी थे कि उनकी डेथ रिंग में मैच के दौरान हुई थी, बट आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एडी गुरेरो साल 2004 में सिक्स मैन टैग टीम मैच के दौरान बीमारी की वजह से रिंग में खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, जो मैच एडी गुरेरो रे मिस्टीरियो RVD वर्सेस JBL और डडले बॉयज के बीच था। अब आते हैं रियलिटी पे। ये बात 13 नवंबर 2005 की है जब मिनियापोलिस के मैरियट सिटी सेंटर के होटल के कमरे में एडी गुरेरो की डेथ हो गई थी। शुरुआती टाइम वो अपने रूम में बेहोश पाए गए थे, उनके मुंह में टूथब्रश भी था, मतलब वो उस टाइम ब्रश कर रहे थे और उसी टाइम उन्हें अटैक आया और वो जमीन पे गिर पड़े और वहीं उनकी डेथ हो गई थी। ये सब एडी गुरेरो के भतीजे चावो गुरेरो ने सबको बताया। चावो ने बताया कि सुबह होटल में हमें नाश्ते के लिए मिलना था, बट होटल की सिक्योरिटी ने मुझे इन्फॉर्म करा कि एडी गुरेरो सुबह की वेकअप कॉल का रूम से कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। तभी होटल की सिक्योरिटी के साथ चावो गुरेरो एडी गुरेरो के रूम तक आए। अभी भी एडी गुरेरो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, जिसके बाद करीब 7:30 बजे 911 पुलिस को कॉल करके बुलाया गया था, तब उन्हें डेड पाया गया। उनकी वाइफ विक्की गुरेरो ने दावा किया था कि डेथ से करीब एक हफ्ते पहले वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे और बावजूद इसके उन्होंने रिंग में मैच भी खेले। सबसे ज्यादा शौक ये था कि एडी महज 38 साल के थे और उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि एडी साल 1999 में एक कार एक्सीडेंट में लगभग मर चुके थे, बट सबके लिए ये चमत्कार था कि वो वहां से रिकवर हो गए थे, जिसके बाद कहा गया कि एडी गुरेरो ने मौत को भी धोखा दे दिया। इसी के बाद एडी दर्द की नशीली दवाओं और शराब के आदि हो गए थे, जो कि आगे चल के उनकी डेथ का कारण भी बना। एडी गुरेरो इनके इतनी आदि हो गए थे कि वो ये भूल गए कि जिस दर्द को बुलाने के लिए वो इन चीजों के आदि हो रहे हैं वही एक दिन उनकी डेथ का कारण बनेगी। एडी ये भी भूल गए कि कार एक्सीडेंट के बाद उनकी बॉडी इन चीजों को ज्यादा लंबे समय तक झेल नहीं पाएंगी। यही वजह रही जो 13 नवंबर 2005 को एडी गुरेरो को लेके इतनी बड़ी खबर आई। उस दिन संडे था और जिसके बाद रॉ और स्मैकडाउन शो होने थे। शो के कुछ टाइम पहले ही ये सब हुआ था, जिसके बाद रॉ और स्मैकडाउन में उन्हें ट्रिब्यूट दी गई और उस दिन किसी सुपरस्टार पे प्रेशर नहीं डाला गया परफॉर्मेंस के लिए। बावजूद बिना स्टोरी लाइन के मैचेस हुए जो रेसलर ने एडी गुरेरो को डेडिकेट किए। एडी की फ्यूनरल 18 नवंबर 2005 को हुई, जिसमें पूरी मैकमैन फैमिली और WWE के छोटे बड़े सारे सुपरस्टार मौजूद थे। एडी अपने पीछे वाइफ विक्की गुरेरो और 3 बेटियों को छोड़ गए। एडी की डेथ के कुछ टाइम बाद एक वेबसाइट ने खुलासा किया कि एडी की डेथ स्टेरॉयड लेने की वजह से हुई थी, बट इस पे WWE ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा था। बट सोचने वाली बात यह थी कि उस टाइम WWE में वेलनेस पॉलिसी नहीं थी और एडी गुरेरो की डेथ के कुछ टाइम बाद WWE वेलनेस पॉलिसी लेके आई थी। आपको बता दूं 27 नवंबर 2005 को सर्वाइवर सीरीज में एडी गुरेरो को टीम स्मैकडाउन की तरफ से खेलना था, बट उनकी डेथ के बाद उनकी जगह रैंडी ऑर्टन ने ले ली थी। एडी गुरेरो का WWE में लास्ट मैच 11 नवंबर 2005 को था, जब वो मिस्टर केनेडी के साथ सर्वाइवर सीरीज में टीम स्मैकडाउन में जगह बनाने के लिए भिड़े थे। एडी ने उस मैच में जीत दर्ज करी थी और स्मैकडाउन में सर्वाइवर सीरीज के लिए टीम में जगह बनाई थी। तो ये थी कंप्लीट एडी गुरेरो की डेथ मिस्ट्री। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। एडी की याद में #VWaalaRasa कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो दवा के लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।